दरभंगा से एक खबर निकल के आई है सामने, जहां दरभंगा में एसएसपी ने नहीं सुनी फरियादी किन्नर की फरियाद तो किन्नर ने रोक दी गाड़ी। वहीं बता दें आपको कि जो एसएसपी के बॉडीगार्ड है उन्होंने हाथ खींचकर किन्नर को हटाया है। दरअसल किन्नर एसएसपी के जनता दरबार में अपनी फरियाद लेकर पहुंची थी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो एसएसपी की व्यस्तता के कारण उसकी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई। वहीं एसएसपी अवकाश कुमार अपने कार्यालय में जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन एसएसपी की पुलिस पदाधिकारी और सभी थाना क्षेत्रों के स्तर पर मीटिंग जो है वो चल रही थी, जिसको लेकर वो काफी व्यस्त थे। इसी बीच वो जरूरी काम में अपने कार्यालय में निकलकर जैसे ही गाड़ी में सवार होकर जाने लगे तो एक किन्नर ने उनकी गाड़ी को सामने से आकर रोक दिया और अपनी फरियाद सुनाने लगे। थाने का चक्कर लगाकर परेशान किन्नर ने एसएसपी से कहा कि चाहे हमारी जान चली जाए हम सर को नहीं जाने देंगे, मेरा जमीन का विवाद है और हमारे परिवार के लोग हमसे मारपीट करते हैं, हम थाना का चक्कर लगाकर परेशान हो रहे हैं लेकिन मेरा कोई नहीं सुन रहा। पहले तो एसएसपी के बॉडीगार्ड ने किन्नर को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी तो एसएसपी के बॉडीगार्ड ने किन्नर को हाथ पकड़कर गाड़ी के सामने से खींचकर हटा दिया। तब जाकर एसएसपी की गाड़ी आगे बढ़ी। किन्नर का अपने भाई से जमीन विवाद है। बता दे आपको कि वही जब हमने इस संबंध में मयूरी किन्नर से बात किया तो वहीं बहादुरपुर के पतोड़ ओपी थाना क्षेत्र का रहने वाला जो बात है वो निकल के सामने, जो किन्नर है वो रहने वाली है, जो है बताया जा रहा है पतोड़ ओपी थाना क्षेत्र की रहने वाली है, उनसे अपने भाई को मोहम्मद अनवर पर आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि मेरा भाई मेरे साथ मारपीट व गाली गलौज करता है, मेरे हक की जमीन नहीं दे रहा है। बहादुरपुर थाना पर भी जब इस बात की शिकायत की गई थी तो थाना में कुछ लोग जो थे वो इसकी बात जो है वो नहीं सुन रहे थे। वहीं शिकायत करने वो वरीय पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में आवेदन लेकर आई थी और किन्नर जब आवेदन लेकर आई तो वहीं एसएसपी साहब निकल रहे थे। एसएसपी साहब का गाड़ी जो है वो उनके आगे आके खड़ा हो गई, गाड़ी के आगे खड़ा हो गई। उसके बाद किन्नर ने साफ साफ कहा कि मेरा फरियाद नहीं सुना जा रहा है। वहीं बता दे आपको कि जो उसे न्याय मिल सके इसको लेकर एसएसपी बिना मुलाकात किए निकल गए। देखिए उन्होंने किन्नर जो थी उन्होंने बताया कि मेरा भाई मेरे ही जमीन का हक नहीं दे रहा है, हम अपना पैसे से जमीन खरीदे थे और अब घर से निकाला जा रहा है, आए दिन मेरे साथ मारपीट होती है, थाने में भी मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, वहीं कई बार चक्कर लगा चुकी हूँ, रिपोर्ट जो है वो लेकर रख लेता है और लोग, लेकिन कोई कार्रवाई जो है और सुनवाई जो है वो नहीं होती है, मेरी टूटा हुआ हाथ पकड़ कर खींचा गया है और एसएसपी ने मेरी बात जो है वो सुनने से इनकार कर दिया और बिना सुने चल गए। क्या कुछ कह रही है जो किन्नर फरियादी है मयूरी किन्नर, वो सुने आप लोग। अब मेरे घर मेरे भाई मुझे घर से निकाल रखा, पहले भी 15 लाख रुपया 15 भरी सोना चोरी कर ले गए थे, इसी पारस में भर्ती थी मैं, अब 2-3 साल के पूरे रिपोर्ट रख रखे हैं, पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं ले रहे, उनके थाने में पिटवा रहा है, 4 तारीख के पिटवाया है, वीडियो देखो, केस कर दिया, कोई केस नहीं, अभी मोबाइल लेके आ गया उन्हें। ये बताइए आप कैसे एसएसपी साहब का गाड़ी को भी रोक दिया, सामने आके खड़े हो गए, कई बारी आए कई बारी हमें चक्कर कटवा रहा है, टाइम बाय टाइम दे रहा है और रिपोर्ट ले ले रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी सुनवाई नहीं है। यहाँ पे एसपी ऑफिस है, एसएसपी ऑफिस पे एसपी ऑफिस भी है, डीएसपी भी बोला हम सुनवाई लेंगे, कोई सुनवाई नहीं किया, एसपी भी कोई सुनवाई नहीं किया, उनके हमारा टूटा हुआ हाथ को पकड़ के एसपी उनके हमें लटा दिया, ये टूटा हुआ हाथ के पकड़ के एसपी के बॉडीगार्ड एसपी पकड़ के हमें लौटा दिया, हम किन्नर हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, किस थाना में पूरे जगह बहादुरपुर भी गए, पूरे जगह हम कागज लगा रखे, अब थाने वाले हमें बुला लेते प्यार से आओ हम तुम्हारा काम करेंगे, और बोलवा इतने काम क्या करेंगे, उनके हमें पिटवा देता है, वीडियो देखो कहा गया मोबाइल बाबू वीडियो देखो, थाने में पीट रहा है तुम देखो, अगर मेरी गलती हो तो मुझे फांसी दे दो। थाने की बात कर रहे हैं क्या, बहादुरपुर थाना है, ऑफिस पतोर है। अच्छा, किसी लिए कह चुका हूँ
वही जमीन के बोला कागज लेके आओ, मैं भी गई बोला तुम्हारा भाई आ गए मैडम आ जाओ, घुमा गई तो पूरा पुलिस वाले बाजे ले रहे और सब मिल के हमें पीट रहा है। क्या वहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं हो सकती? नहीं कोई सुनवाई नहीं। तो फिर आगे आप आज कहाँ हैं? हम एसपी ऑफिस पे आए हैं, दसों बार या छुट्टी, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज क्या चाह रहे हैं? अभी जो आप अभी भी कोई सुनवाई हो जाए तो हम मंजूर कर लेंगे। क्या चाह रहे हैं आप? हमें सुनवाई ले बाबू, हमें गलती हो हमें फांसी दे दो। सुनवाई के तौर पे क्या चाह रहे हैं? हमारा जमीनी विवाद है, पर्सनल, जो मैंने अपने जमीन अपने पैसे के खरीदी हूँ, मेरा मकान, अब मेरा भाई मुझे घर से निकाल रखा है, मैं कभी किधर रहती हूँ कभी किधर रहती हूँ कभी किधर रहती हूँ। अपना भाई है? हाँ। क्या नाम है आपके भाई? वो कोई कोई काम नहीं है। नाम क्या है? अब उसका नाम है अनवर, मोहम्मद अनवर। आपके पिता का नाम? मोहम्मद नाजिर हुसैन। पिता भी गुजर गए। थाना कौन सा? थाना बहादुरपुर। जिला? जिला यही दरभंगा हुआ। दरभंगे में रह रहे हमेशा से? जी नहीं, हम रहते हैं दिल्ली। दिल्ली के हम किन्नर हैं, हम दिल्ली रहते हैं। यहाँ किस लिए आए थे जो आप ये मामला? हमारे अपने मकान में आए थे, हमें मकान से मारपीट के भगा दिया।